उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर डिटरमिन्ड, या अच्छा इसके बाद एक टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ये नॉर्मली आप लोगों की बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ लेकिन ई कैट में बताया जाता है और मैंने चूंकि अपने बारे में ई कैट नहीं किया था तो मैंने एक मूवी से सीखा था, पहली दफा ये चीज आई थी। तो मूवी थी सुपर 30, ऋतिक रोशन की है, वो एक इंडियन एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, उसके ऊपर उनके ऊपर बनाई हुई थी, अनंत कुमार। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि 30 बच्चे उन्होंने पिक किए थे, गरीब बच्चे थे, तैयारी करवाई थी उनको IIT में, सबके सब पास आउट हो गए थे, तो मतलब एंट्री टेस्ट में पास कर लिया था उन्होंने, तो उसके उनके ऊपर मूवी बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था मूवी में, तो ऋतिक रोशन है कि 30 बच्चे उसने पिक किए थे, वो कह रहा था कि यार अगर 30 बच्चे, मतलब उनसे सवाल पूछा था, अगर तुम लोग आपस में हाथ मिलाओगे और शर्त ये कि एक बंदा दूसरे से एक ही दफा मिलाए, ये इनके 3-4 दफा मिला रहे हो आप, तो कितने हैंडशेक होंगे। अब ये चीज फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो तो आप गिनने लग जाओगे, हालांकि गिनने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन में NC2। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने अगर मालूम करना हो कि हैंडशेक कितने हैं, 5 लोग हम कंसिडर करते हैं क्योंकि 30 लोग की एग्जाम्पल समझने में मसला होगा, तो हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वकार चक्का को कर लेते हैं, भाई हम साथ कर लेते हैं बक्की भाई को, अच्छा और हम कर लेते हैं आजाद चाय वाला, और किसको करें, हम मोरू को कर लेते हैं, और इरफान भाई मेरे फेवरेट उनको कर लेते हैं, 5 लोग हैं भाई, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं, ये जो वकार भाई है ढक्की भाई से करेंगे सलाम, मोरू से करेंगे, इरफान से करेंगे, आजाद से करेंगे, तो कितने हैंडशेक किए इन्होंने, 4 किए, अपने आप से तो नहीं कर सकते ना, तो अभी तक 4 हैंडशेक हुए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर आप ढक्की भाई की बात करो तो वो कितने बंदों से हाथ मिला सकते हैं, अब वो वकार से तो नहीं मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले मिला लिए। अब देखो ये परमोटेशन का सवाल नहीं है, यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि परमोटेशन में वकार डकी या डकी वकार ये दो मानी जाएंगी, लेकिन आपको पता है इस वाले सिचुएशन में ये एक ही है, क्यों भाई, वकार डकी से हाथ मिलाए या डकी वकार से मिलाए बात एक ही है, ये दो अलग बातें नहीं है, इसको आप एक ही कंसिडर करोगे यहां पर, ठीक है। तो डकी भाई दोबारा वकार वैसे तो नहीं कर सकते, इसको दो एंगल से आप समझ सकते हो कि इस एंगल से समझो कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप वकार डकी लिखो डकी वकार लिखो, या दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन है कि एक बंदे ने एक से मिलाना है, और दो दो बार इस तरह नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वरना अगर परमोटेशन लगाओगे तो वकार मोरू है तो मोरू वकार, मतलब ये एक बंदा, मतलब आपस में वो दो दफा मिला रहे होंगे, एक बंदे ने उससे मिलाया फिर दोबारा वो मिला रहे हैं आपस में, दो हैंडशेक हो जाएंगे, नहीं मैंने कहा था एक ही हैंडशेक होंगे, एक बंदा अगले वाले बंदे से एक ही दफा हाथ मिलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल डकी भाई वकार से नहीं मिला सकते, डकी भाई मोरू से कर लेंगे, इरफान आजाद 3 हो गए, फिर मोरू इरफान से या आजाद से 2, और इरफान भाई के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आजाद से मिले, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हैंडशेक है 4+3+2+1, ये हो जाएगा टोटल 10 हैंडशेक। तो यहां पे कितने हाथ मिलाए जाएंगे, 10 हाथ मिलाए जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट मैचेस के अंदर भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा 5 टीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे यार एक पाकिस्तान कंसिडर कर लेते हैं, एक इंडिया कंसिडर करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया करते हैं, एक इंग्लैंड करते हैं, एक न्यूजीलैंड करते हैं, तो अगर ये 5 टीम आपस में मैच खेले और हर टीम दूसरी टीम से एक ही मैच खेले, दो मैच ना खेले, अगेन वो रिस्ट्रिक्शन है, तो पाकिस्तान इंडिया से खेल सकता है, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, 4 हो गए। इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान से नहीं खेलेगा ना, उसने पाकिस्तान से एक मैच ऑलरेडी खेल लिया, तो इंडिया न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, 3 हो गए, फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, तो अगेन वही आपके पास 10 ऑप्शन हो जाएंगे, 10 मैचेस यहां पे हो जाएंगे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसलिए क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, आप पाकिस्तान इंडिया करो या इंडिया पाकिस्तान करो बात एक ही होगी यहां पे, तो आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, और कॉम्बिनेशन में फॉर्मुला यही क्यों यूज कर रहे हो, NC2 इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि जितने भी लोग हैं उसमें से आपको 2 पिक करने हैं, सिलेक्शन आपकी अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने वकार डकी को पिक किया तो ये एक सिलेक्शन है, आपने वकार मोरू को पिक किया ये एक सिलेक्शन है, वकार इरफान को पिक किया एक और, वकार आजाद को पिक किया एक और, तो 4 सिलेक्शन होगी, फिर डकी मोरू को 5वीं, डकी इरफान, डकी आजाद, ये टोटल 7 हो गए। तो यहां पे आप 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो ना, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल ऑब्जेक्ट एन होती है, सिलेक्ट आप किसको कर रहे हो, 2 को कर रहे हो, दैट्स इट, खत्म हो गया बात। तो फॉर्मूला यहां से आगे कॉम्बिनेशन का NC2, आपने एट अ टाइम 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर फॉर्मूले में लिखोगे एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n -2 फैक्टोरियल, तो ऊपर और इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा होगा ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप जाहिर सी बात है इसको याद करना मुश्किल है,
एक ही बात है, एनसी टू लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, सिंप्लीफाई करो। तो इसमें आप एन की जगह फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर दो, 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 2 होते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला भी मार्केट में आपको नजर आएगा, वो ये वाला है। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको याद हो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो नेचुरल नंबर को सम नहीं कर रहे आप, नेचुरल नंबर है शुरू के 4 नेचुरल नंबर, अगर 5 लोग हैं तो जो आंसर होता है वो शुरू के 4 नेचुरल नंबर होता है, अगर 6 लोग हैं तो शुरू के 5 नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं, पहला वाला बंदा किसी भी 5 से हाथ मिला सकता है तो 5, फिर दूसरा बंदा 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्व करो तो जो आखिरी बंदा बचा है वो तो आप किसी से नहीं मिला पाएगा ना, तो है 6 बंदे लेकिन टर्म्स कितनी बनती है, 5 टर्म्स बनती है यहां पे। तो ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो उनका फॉर्मूला तो आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके सामने लिखा है। बस फर्क ये कि यहां पे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, यहां पे आप क्या करते हो कि एन यहां पे 5 पुट करोगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर कर रहे हो ना, तो एन यहां पे आप 5 पुट करोगे, क्योंकि टर्म्स कितनी है 5 है, लोग 6 है लेकिन आप पुट 5 करोगे। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि यहां पे जो एन है ना, इस एन का मतलब क्या है कि जो पहला बंदा है वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, पहले बंदे के लिए 5 ऑप्शन है, 5 लोगों से हाथ मिलाएगा ना, तो इस एन का यहां पे मतलब ये है कि पहला बंदा कितने हैंडशेक करेगा, 5। तो यहां पे आप 5 पुट कर दो, 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 2 3 3 को 5 से करो 15, इसका मतलब 6 लोग हैं तो टोटल 15 हैंडशेक होंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसमें एन का मतलब ये है कि कितने लोग हैं, 5 लोग, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें आप पुट करोगे पहला बंदा कितने हैंडशेक कर रहा है, 4। तो आप किसी एग्जाम्पल को इसे सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू 5, और इसे सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू 4, क्योंकि पहला बंदा 4 बंदों से सलाम कर रहा होगा, ये मैंने यहां पे लिख दिया, मतलब हाथ मिला रहा होगा। तो दोनों फॉर्मूले जो है यहां पे बताए जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको और मालूम करना हो इन पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ हो कि यार आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट रेड कर लिए और इसमें कोलिनियर पॉइंट होने की शर्त है कि 2 से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट ना हो, मसला मैं बता दूंगा क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप कितनी लाइंस यहां पे बना सकते हो, तो फॉर्मूला अगेन वही होगा NC2। क्यों, आपने एट अ टाइम लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट पिक करने होते हैं, तो आप कोई भी 2 पॉइंट पिक करो लाइन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इस तरह बनेगी, एक लाइन इस तरह बनेगी, एक लाइन इस तरह बनेगी, फिर एक लाइन इस तरह होगी, एक लाइन इस तरह होगी, और फिर एंड पे एक लाइन इस तरह होगी, ठीक है। तो वही कितनी लाइन बन रही होंगी, यहां पे 4 पॉइंट है तो 4C2, मतलब यहां पे 6 लाइंस बन रही होंगी, वो आपने बना के देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पॉइंट होते तो वही 10 लाइंस बन रही होती है यहां पे। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपने वहां पे पढ़ा था यहां पे भी मौजूद है। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए भी यूज होता है कि अगर आपके पास एन पॉइंट्स गिवन हो और आपने मालूम करना हो कि कितनी लाइंस बन सकती हैं इन एन पॉइंट्स से, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप सिचुएशन चेंज करो और आप अगर ये बोलो कि यार मेरे पास जैसे 4 पॉइंट थे तो आपके पास 6 लाइंस बन रही थी, आप बोलो कि यार मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट है, तो असूली तौर पे कितनी लाइंस बननी चाहिए, 10 बननी चाहिए, लेकिन उन 5 में से कोई पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अच्छा, अगर 2 पॉइंट्स के लिए तो आप कोलिनियर का वर्ड बोलते भी नहीं हो, क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो लाजमी एक लाइन पास कर सकती है। कोलिनियर का वर्ड बोला जाता है कि जब 3 पॉइंट्स हो, कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, तो उनको आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर उन 5 में से 3 कोलिनियर हो तो अब कितनी लाइन बनेंगी, क्योंकि फॉर्मूले को तो नहीं पता कि 3 कोलिनियर है, और जब कोलिनियर होती है तो मसला क्या होता है उसको जरा समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो आपके पास 5 पॉइंट है और इसको मैंने एक कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है इससे, और फॉर एग्जांपल 2 आपने यहां पे कंसीडर किए ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसको वैसे हम लिखते हैं कि आप अगर 5 आपके पास चीजें हैं और आपने 2 सेलेक्ट करनी है तो आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हो, आप उसको लिख सकते हो ए बी फिर ए सी फिर ए डी फिर ए ई फिर बी सी बी डी बी ई फिर सी डी सी ई फिर डी ई, ये 10 किस्म की लाइन बन सकती है। फॉर्मूला क्या कहता है, एनसी टू एन की वैल्यू 5 पुट करो, 5C2 क्या होता है 10 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि 10 लाइन बननी चाहिए, लेकिन फॉर्मूले को नहीं पता कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। जैसे पिछले वाली एग्जाम्पल में आपके पास कितने थे, 4 पॉइंट थे ना, तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 4 में से अगर आपने कोई भी 2 लाइन बनाने के लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं ना, ये इसकी हिकमत है। अगर आप लाइन बना रहे हो तो 2 पॉइंट आपको चाहिए, 2 पॉइंट से लाइन बन सकती है। तो वही अगेन हैंड शेक मैचेस वही वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे।
तो एक लाइन बन रही थी ए बी, फिर बन रही थी ए सी, फिर बन रही थी ए डी, फिर थी बी सी, बी डी और फिर थी सी डी। ये आपके सामने ए बी, ए डी, ए सी, फिर बी सी, बी डी, फिर डी सी, ये छह लाइन आपकी बन रही थी। तो यहाँ पे कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं थे, जबकि यहाँ पे तीन पॉइंट कोलिनियर है। अब होगा क्या, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला आपको मिसगाइड कर देगा। फॉर्मूला आपको बोलेगा 10 लाइन, लेकिन हकीकत में 10 नहीं होंगी। मैं बता देता हूं एबी लाइन कौन सी है, ये एबी लाइन है। अच्छा ध्यान में रखना, यहां पे लाइन एक इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये जो मैंने एबी लाइन बनाई है ना, वो जरूरी नहीं कि यहां पे रोकोगे, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, बना सकते हो। असल कॉन्सेप्ट ये है, मैं कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा या कोई स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बना रहा कि मैं इन दो पॉइंट पे खत्म कर रहा हूं, कोई लाइन सेगमेंट नहीं बना रहा, मैं यहां पे लाइन बना रहा हूं पूरी। तो लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो एक लाइन इन पॉइंट से पास कर रहा है, पास कर रही है, एक इससे पास कर रहा है, फॉर एग्जांपल बीसी से एक लाइन पास कर रही है, तो लाइन तो इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है। तो जो लाइन एबी से पास कर रही है, तो उसको आप इस तरह तो नहीं बनाओगे ना, आप उसको भाई इस तरह बनाओगे पूरा, ये पूरी एक लाइन कंसिडर होगी क्योंकि लाइन इनफाइनाइट है। तो एबी लाइन जो है वो यही वाली है, ये पूरी जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है इसको आप एबी बोलोगे। इसी तरह इसको आप एसी भी तो बोल सकते हो ना, ये जो एसी लाइन है ये वाली तो है, अगर आप ए और सी को ज्वाइन करोगे तो यही तो लाइन आएगी। इसी तरह ये जो बीसी लिखा हुआ है, बीसी भी तो यही लाइन है ना, जब आप बी और सी को ज्वाइन करोगे तो यही तो लाइन आ रही होगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे जो फॉर्मूला आपको 10 दे रहा है, उसमें से तीन चीजें जो है ये हकीकत में तीन अलग लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। अब ये मसला आ गया, अब इस मसले को आप हल कैसे करोगे, आप एनसी टू में से माइनस करोगे एमसी टू, वेयर एम का मतलब कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, यहां पे तीन पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो एमसी टू मतलब थ्री सी टू क्या होगा, थ्री के बराबर। तीन पॉइंट से तीन लाइन पास कर सकती हैं। असूली तौर पर आप देखो, आपके पास तीन पॉइंट गिवन है, तो एक दो तीन, तीन पॉइंट अगर आपके पास गिवन है तो आप तीन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जितने कोलिनियर पॉइंट है उनसे आप कितनी लाइन बना सकते हो, तीन कोलिनियर पॉइंट है तो आप तीन लाइन बना सकते हो, वो आप माइनस कर दो टोटल नंबर में से, तो आपके पास आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में आप देखो 5C2 टोटल लाइन थी, लेकिन आपको पता है तीन कोलिनियर पॉइंट है, जो तीन लाइन बनाएंगे वो आपके काम की नहीं, वो तो एक ही लाइन है, तो आप माइनस कर दो 3C2 से, तीन कोलिनियर और C2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन एक मसला है इसके अंदर, इस फॉर्मूले का आंसर 3 होगा, 10 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। हकीकत में 7 लाइन नहीं बनेगी, हकीकत में 8 लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये तीन लाइन है, ये एक लाइन तो मानी जाएगी ना, इसको आप तीन नहीं बोलोगे, इसको एक बोलोगे, मतलब यहां पे दो एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एबी को कंसिडर कर लिया, तो एसी और बीसी ये एक्स्ट्रा है ना, तो निकालना तो आपको दो को चाहिए, जबकि ये वाला फॉर्मूला तीन को निकाल रहा होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि तीन पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है, तीन लाइन बन सकती है। अब इसको तो नहीं बता रहा कि वो तीन लाइन जो है उसमें से एक हमने कंसिडर करनी है, मतलब एक का तो आप लाइन बोलोगे ना, बाकी दो एक्स्ट्रा है, तो ये फॉर्मूला तीन को माइनस कर देगा, मतलब एक लाइन हमारी कम कर देगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप प्लस वन कर देना, तो अब आपके पास राइट जो है वो लाइन जाती है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करोगे जब आपने आपके पास n पॉइंट्स गिवन हो और आपने मालूम करना हो कि कितनी लाइंस बन सकती हैं और उसमें से कुछ पॉइंट कोलिनियर हो, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो m की जगह वो आप पुट कर देना, ये पूरा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने में। अब ये लाइंस का कॉन्सेप्ट था, अब इसको ले आते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि चार वर्टिसेस हैं तो कितनी साइड आप बना सकते। अच्छा ये जहन में रखो, अगर चार वर्टिस होते हैं ना तो आप चार ही साइड बना सकते हो, जितने पॉइंट होते हैं ना, अगर आपको बोला जाए कि अगर 10 पॉइंट है तो उस ज्योमेट्रिक शेप की कितनी साइड्स होंगी, ये भी सवाल आ सकता है ना, कि अगर 5 वर्टेक्स है फॉर एग्जांपल तो कितनी साइड्स होंगी, 5 ही होंगी भाई, जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी साइड्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स है, ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स है तो कितनी साइड्स है, तीन साइड्स है। अगर स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के अंदर चार वर्टेक्स है तो चार ही साइड होती है। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जिनको आप वर्टिसेस बोल दो, उतने नंबर ऑफ साइड्स आपके पास बन रही होती है। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है कि पॉइंट देते हैं और बोलेंगे कितनी नंबर ऑफ साइड बन सकती हैं, जितने पॉइंट है उतनी नंबर ऑफ साइड बन सकती हैं। अच्छा एक और तरीके से भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। फॉर एग्जांपल अगर चार पॉइंट है तो उसमें डायगोनल कितने बनेंगे, डायगोनल क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप चार पॉइंट को कंसीडर करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं ताकि बात इजीली समझ आ जाए। एक डायगोनल इस तरह बनेगा, एक डायगोनल इस तरह होता है। डायगोनल बेसिकली एक लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को या कह लो अपोजिट पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रही है, इसको आप डायगनल कहते हो। तो अब आप ये कैसे मालूम करोगे कितने डायगनल्स हैं यहाँ पे। अब स्क्वायर में तो आप मालूम कर ले तो दो है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसके अंदर 10 वर्टेक्स हैं, अब बताओ कितने डायगनल्स हैं, फिर आप फंस जाओगे। तो सिंपल तरीका क्या होगा,
सिंपल तरीका ये होगा कि आप इस पूरे चार पॉइंट में निकालो कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बना सकते हो। तो अगर चार पॉइंट गिवन हो और आपको मालूम करना हो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती है, तो 4C2 6, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो 6 लाइंस आपके पास बनेंगी। उन लाइंस में से कितनी साइड्स हैं? चार साइड्स हैं। जब आप चार साइड को माइनस कर दोगे तो जो पीछे लाइन बचेंगी वो डायगोनल्स होंगे। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली, उसमें से माइनस कर दिया जितनी साइड्स हैं, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, ये दो लाइंस जिनको आप क्या बोलोगे, डायगोनल्स बोलोगे। तो ये फॉर्मूला होता है। तो जनरलाइज बात में अगर आप लिखो ना तो आप लिखोगे NC2 - N। ये फॉर्मूला होगा अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने। सिंपल फॉर्मूला, NC2 का मतलब टोटल लाइंस, टोटल लाइंस में से आप नंबर ऑफ साइड माइनस कर दोगे तो पीछे जो लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला हो गया। मैं सब में काफी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का बता दिया, अगर लाइंस कोलिनियर हो तब आपने को मैंने बता दिया, अच्छा नंबर ऑफ साइड्स निकालने का बता दिया, नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का बता दिया। अब एक और टॉपिक है आखिरी जो आप लोगों की बुक से रिलेटेड है, वो है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, वो किस तरह निकालोगे। तो यार अगेन उसका कॉन्सेप्ट भी वही होगा सिंपल, कि आपने क्या करना है, आपने ट्राइंगल बनाने के लिए आपको तीन पॉइंट पिक करने होते हैं, तो आप तीन पॉइंट पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चार पॉइंट है, आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने हैं, तो चार चीजें हैं उसमें से आपने सेलेक्ट कितनी करनी है, तीन करनी है। तो एक पॉसिबिलिटी है एबीसी, दूसरी है एबीडी, तीसरी है एसीडी, चौथी है बीसीडी। तो चार ट्राइंगल बनेंगे, सॉरी हाँ चार ट्राइंगल बनेंगे। अगर चार पॉइंट गिवन है तो आप चार ट्राइंगल आप बनाओगे, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये वाला बनाओ, ये दूसरा ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा ट्राइंगल है, और फॉर एग्जाम्पल ये चौथा ट्राइंगल है। अगर आप नाम देके बनाओ ना तो ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा, ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ए बी सॉरी ए बी सी, तो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, फिर दूसरा है ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, फिर है ए सी डी, ए सी डी ये वाला, इसको आप बोलोगे ए सी डी, तो ये वाला तो अलग ट्राइंगल आ गया आपके पास एक, फिर है बी सी डी, बी सी डी ये वाला ट्राइंगल। तो ये आपके पास कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे, आपके पास चार ट्राइंगल यहां पर बन रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन वही होगा, आपके पास जितने भी पॉइंट है एट अ टाइम आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, तीन पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहेगा NC3, टोटल अगर चार पॉइंट है तो सेलेक्ट कितने करने हैं एट अ टाइम, तीन करने हैं। कॉम्बिनेशन परमोटेशन नहीं होगा, क्योंकि परमोटेशन एबीसी को इस तरह भी लिखेगा एसीबी, आपको पता है एबीसी लिखो या एसीबी लिखो पढ़ने का तरीका अलग है, ट्राइंगल सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए बी सी बोलूं या बी सी ए बोलूं, ट्राइंगल यही बन रहा है पूरा, पढ़ने का तरीका बस अलग है। तो परमोटेशन ये चीज ओपन करेगी, तभी यहां पे बेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन, कि जितने भी पॉइंट हैं उसमें से जो कितने पिक करने हैं आपको, तीन पिक करने ट्राइंगल बनाने के लिए, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगेन इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कुछ कोलिनियर पॉइंट्स आ जाए, मिनिमम दो से ज्यादा हो, क्योंकि दो तो कोलिनियर होते ही है ना, दो से तो लाइन पास करती है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। अगर तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा कोलिनियर हो तो तब कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल पांच, क्योंकि समझने के लिए आसान है, पांच पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी और ई। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं पांच पॉइंट है, इससे कितने ट्राइंगल बना सकते हो, मतलब 5C3, पांच पॉइंट्स है, तीन पिक करने हैं आपको ट्राइंगल बनाने के लिए, तो 5C3 क्या होता है, 10 ही होता है वो भी। पॉसिबिलिटीज क्या है, ए बी सी, फिर हो जाएगा ए बी डी, फिर हो जाएगा ए बी ई, अच्छा फिर होगा ए सी डी, ए सी ई, और फिर हो जाएगा ए डी ई, तो छह तो आपने ये बना दिया, फिर बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, ये नौ हो गए, और फिर होगा सी डी ई, दस हो गए। तो पांच पॉइंट से असली तौर पे कितने ट्राइंगल बनने चाहिए, दस ट्राइंगल बनने चाहिए। लेकिन मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे समझा दिया, पांच पॉइंट के साथ समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने चार के साथ आपको समझा दी बात, पांच में आप खुद कंसीडर कर लेना, क्योंकि वो ट्राइंगल सेम होते हैं, शेड करने लगोगे तो फर्क पता नहीं चल रहा होगा, कि आप बोलोगे सर ये पहले भी तो शेड किया था, हालांकि वो पहले वो नहीं किया होता, पहले दूसरा वाला किया होता है। तो अगर आप चाहो तो पांच अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना, ये तो कोलिनियर है ना, पांच अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना और जरा ध्यान से बनाना, शेड वेड करना, रंग चेंज कर लेना, तो आप खुद देखोगे पांच पॉइंट से आपके पास दस ट्राइंगल बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन
ये तो फॉर्मूला इस बेचारे फॉर्मूले को नहीं पता कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, ये आपको आंसर देगा 10। लेकिन आपको पता है कि ए बी सी कोई ट्राइंगल नहीं है, ये क्या ट्राइंगल होगा? ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? ये तो ट्राइंगल नहीं है। अच्छा, फिर और कौन सा ट्राइंगल नहीं है? फिर ए बी डी ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये बिल्कुल ट्राइंगल है। तो ए बी सी को ट्राइंगल है, इसको माइनस कर देते। फिर है ए बी ई, ए बी ई ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, सही है। ए सी डी, ए सी सॉरी ए से लेके सी पे गया, फिर डी पे गया, ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, सही बात है बिल्कुल। ए सी ई, ए सी ई ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, वो मसला नहीं है। फिर लिखा हुआ ए डी ई, ये भी बिल्कुल ट्राइंगल है, ए डी ई ये भी ट्राइंगल बन गया। फिर लिखा हुआ बी सी डी, ये भी बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है, बी सी डी ये भी बन रहा है। फिर लिखा हुआ बी सी ई, बी सी ई भी बन रहा है, ये डिफरेंट अलग अलग पॉसिबिलिटी सारी लिखी है। फिर लिखा हुआ बी डी ई, तो बी डी ई भी बन रहा है, कोई मसला नहीं है। फिर लिखा हुआ सी डी ई, तो सी डी ई भी बन रहा है। तो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि तीन पॉइंट्स अगर गिवन होना तो एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है ए बी सी, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप क्या करोगे, हकीकत में जो 10 है उसमें से आपको 1 माइनस करना है, मतलब हकीकत जो NC3 वाला फॉर्मूला है ये आपको 10 दे रहा है, लेकिन आपको पता है एक एक्स्ट्रा आएगा, तो माइनस 1 नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर सवाल फंस जाएगा आपका। मैं भी एक और एग्जांपल भी दूंगा जिसमें पॉइंट ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा ये मसला उसके अंदर आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, अगेन वही काम करोगे, अगर तीन पॉइंट से आपको बताना हो कि कितने ट्राइंगल पास करते हैं, तो 3C3 टोटल तीन पॉइंट है और ट्राइंगल बनाने के लिए कितने चाहिए, तीन ही चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा 3C3, और आपको पता है 3C3 का आंसर 1 होता है, मतलब तीन पॉइंट से कोई एक ट्राइंगल पास करेगा, तीन पॉइंट से दो ट्राइंगल पास नहीं कर सकते, तीन पॉइंट से एक ही ट्राइंगल पास करेगा, बाकी सब में नाम में फर्क होगा, एबीसी कर दो, एसीडी एसी डी कर दो, अलग कर दो, तीन पॉइंट से एक ही ट्राइंगल बन सकता है। तो आपने क्या करना है, 1 माइनस करना है, क्योंकि जितने कोलिनियर पॉइंट है आप मालूम करोगे उससे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं और उसको माइनस कर दोगे। तो अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो मैं यहां पे एम लिख दूंगा कि अब जितने कोलिनियर पॉइंट है वो जितने ट्राइंगल बना रहे होंगे वो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट एक्चुअल में ट्राइंगल बना रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है जैसे एबीसी लिखा है ना, ये को ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे जितने कोलिनियर पॉइंट है आप मालूम करोगे वो कोलिनियर पॉइंट कितने ट्राइंगल बनाएंगे, उतने ट्राइंगल आप टोटल जो फॉर्मूला है उससे माइनस कर दोगे। तो MC3 यहां पे आपको एक आंसर दे रहा है कि तीन पॉइंट मतलब 3C3 एक ट्राइंगल बनेगा, 10 में से 1 माइनस करना 9, आपको नजर भी आ रहा है यहां पे 9 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये मैं लिस्ट बना के भी आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी और एग्जांपल कंसीडर करता हूं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट 6 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, अब 6 चीजें हैं, 6 में से 3 आपने सेलेक्ट करना है ना एट अ टाइम ट्राइंगल बनाने के लिए, तो 6C3 का आंसर क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 36, नहीं 6 फैक्टोरियल 120 तो नहीं होता, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 36, तो ऑलमोस्ट मेरे हमें 20 आ रहे होंगे। तो बहर अब मैं सब 20 लिस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, जो ये फॉर्मूला गिन रहा है लेकिन वो एक्चुअल में ट्राइंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मूला एबीसी को ट्राइंगल कह रहा होगा, आपको पता है एबीसी ट्राइंगल नहीं है, इसी तरह ये फॉर्मूला ए बी डी इसको भी एक ट्राइंगल कह रहा होगा, ये भी एक ट्राइंगल नहीं है क्लाइंट नंबर, इसी तरह ये फॉर्मूला ए बी ई इसको भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा होगा, आपको पता है ट्राइंगल नहीं है, इसी तरह बी सी डी एक ट्राइंगल कंसीडर करेगा, बी सी ई इसको भी ट्राइंगल कंसीडर करेगा, सी डी ई इसको भी ट्राइंगल कंसीडर करेगा, जबकि आपको पता है इसमें से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, जितने मैंने बोले इसमें से कोई एक भी ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो अब आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पता चल गई हैं, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो कंपनसेट कैसे करोगे, आप ये कहोगे कि यार 4 कोलिनियर पॉइंट है, 4 से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, मतलब 4C3 4 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 4C3 आप बना सकते हो, तो 4C3 का आंसर क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो आप क्या करो इस वाले फॉर्मूले से ना 4 माइनस कर दो, मतलब 4C3 आप माइनस कर दो, तो अब ये जो मैं आपको नहीं 4C3 4 नहीं होगा 6 होगा आई गेस, 24 डिवाइडेड बाय 6 नहीं 4 ही होगा, 4 ट्राइंगल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, नहीं इसमें 5 पॉइंट है, सॉरी मैं वही कह रहा हूं, यहां पे 5 कोलिनियर पॉइंट है ना, तो 5 कोलिनियर पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 5C3 बन सकते हैं, तो हकीकत में वो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि वो सारे कोलिनियर पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है उससे आप 5C3 को माइनस कर दोगे, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल जाएंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला, इसमें कुछ 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये जो फॉर्मूला आपको आंसर देगा ना वो एक्यूरेट आंसर है कि वो सब ट्राइंगल एक्स्ट्रा है,
जैसे यहाँ पे जो 5C3 में जो ट्राइंगल बन रहे थे वो उनमें से कोई एक भी ट्राइंगल नहीं था, वो सब लाइन थी, तो यहाँ पे वन एड करने की कोई रीजन ही नहीं है। तो बच्चों ये फॉर्मुला है जब आपके कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करने। डिटेल में मैंने एक एक चीज, हर हर कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, पहले आगे पीछे एक एड, हर चीज मैंने बता दी। तो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी वो वीडियो, डिटेल में आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब आ जाओ इसके ऊपर कि यार जो बुक में किधर गया कपड़ा, कपड़ा कहा, नीचे गिरा हुआ। तो अब आप आ जाओ इस सवाल को आपने किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा देखो, जैसे पहले सवाल आपके पास इस तरह आता था कि यार आपके पास इतने पॉइंट्स हैं, आप बताओ इन पॉइंट से कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो, या इतने पॉइंट्स हैं तो बताओ कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो उसके अंदर चक्कर हो सकता था कि यार वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। जैसे पुरानी बुक में सवाल होता था ये, उसमें गिवन था पहले पार्ट में कि यार कोई पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अच्छा दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, दो से ज्यादा पॉइंट्स के लिए आप कोलिनियर का वर्ड यूज करते हो, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन के ऊपर होंगे, दो से ज्यादा पॉइंट की बात की जाती है। तो कहीं आपको बता दिया जाता है कि इतने पॉइंट्स कोलिनियर हैं और इतने पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल 12 पॉइंट्स हैं तो पार्ट वन में आपको बोला जाएगा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, आप 12C2 का फॉर्मा लगा दोगे अगर नंबर ऑफ लाइन मालूम करनी है। अगर आपको बोला जाए यार 12 पॉइंट्स हैं इसमें से 7 कोलिनियर है, तो फिर आप वो जो फॉर्मुला मैंने अभी बताया होगा, थ्योरी जो भी लगाई थी मैंने वीडियो, उसके अंदर कोलिनियर जब पॉइंट्स हो तो फॉर्मुला आप देख लोगे, तो उस तरह आप नंबर ऑफ लाइन निकाल लोगे। तो जब सिंपल सवाल आएगा इतने पॉइंट्स हैं और आपने लाइंस बनानी है, तो आपके जहन में सवाल डेफिनेटली आएगा कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, तो वो सवाल में गिवन होगा। लेकिन यहां पर जो सवाल लिखा हुआ है उसमें ये जहन में आपके आ नहीं सकता, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। यहां पर बात की गई है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन होती है जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड होती है, 3 साइड 4 5 साइड, और इसमें खास बात क्या है कि सारी साइड स्ट्रेट होती है, कोई कर्व नहीं होती, उनको आप पॉलीगॉन कहते हो। तो ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटर भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटर की 4 साइडेड होती है, इसी तरह पेंटागॉन हो गया, हेक्सागॉन हो गया, हेप्टागॉन हो गया, ऑक्टागॉन हो गया, ये 4 5 6 7 साइडेड के सारे पॉलीगॉन्स हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि यार आपने एक पॉलीगॉन है, अब जैसे पार्ट वन में बोला हुआ कि 6 साइड का पॉलीगॉन है, मतलब हेक्सागॉन है, उन हेक्सागॉन को आपस में आपने ज्वाइन करके ट्राइंगल्स बनाने हैं, तो आपको पता है हेक्सागॉन के वर्टिसेस, तो आपको पता है वो कोलिनियर तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर हेक्सागॉन बन रहा है तो इसका मतलब 6 वर्टिसेस होंगे उसके। हेक्सागॉन अगर आपके पास बनेगा तो हेक्सागॉन इस टाइप का हम बनाते हैं, एक जो बेंजीन हुआ करता था, ये 1 2 3 4 5 6 साइड की फिगर है ये, तो आप अगर इनके वर्टिसेस देखो तो वर्टिसेस कोलिनियर तो नहीं हो सकते ना, ये तो मेक सेंस कर रहा है। और आपको सवाल में बोला है कि इन्हीं वर्टिसेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, आपके जहन में सर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी तो हो सकते हैं शायद वो कोलिनियर हो, नहीं, सिंपल आपको क्या बोला है के कैन बी ड्रॉन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन है ना, जैसे पार्ट वन में बोला हुआ है 6 साइडेड के हेक्सागॉन है, इसके वर्टिसेस को आपने ज्वाइन करना है। तो अब जो आपके पास पॉइंट्स है ना, अगर मैं इन साइड्स को हटा दूं तो इससे फायदा आपको ये हुआ कि आपको इतना पता चल गया कि यार ये कोलिनियर नहीं है, ये 6 पॉइंट्स है बेसिकली, क्योंकि वर्टिसेस को ज्वाइन करना था, तो वहां से आपको समझ आ गया कि ये 6 के 6 कोलिनियर नहीं है। तो 6 पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करके आपने बताना है कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, आपने बताना है कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। तो ये जो पॉलीगॉन वाला वर्ड उन्होंने दरमियान में घुसाया ना, इसका एक फायदा ये हो गया कि आपको पता चल गया कोलिनियर नहीं है यहां पे। लेकिन इसका एक नुकसान हो गया, अगर आप ये सर्च करो ना, क्योंकि मैं टीचर से ग्रुप में ऐड हूं, वहां पे भी एक सवाल आया था, तो अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, एक और कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इजी करके बताता हूं, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर के आपको पता है 4 वर्टिसेस होते हैं, तो अब यहां पर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक लोग ये कहते हैं कि जब आपको किसी पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स बनाने हैं तो वो जो ट्राइंगल है वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि यहां पे 2 ट्राइंगल बनेंगे बस। कौन कौन से? एक ये ट्राइंगल होगा और एक ये ट्राइंगल होगा। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर 4 साइडेड फिगर है तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, अगर 5 साइडेड फिगर है तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, मतलब 2 आपने माइनस करना उसमें से, 5 साइडेड फिगर तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, 6 साइडेड फिगर तो 4 ट्राइंगल बनेंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक बेंजीन बना के दिखाया था, ये 6 साइडेड फिगर है ना, तो आप इसमें ऑब्जर्व करो यहां पे 4 ट्राइंगल बनेंगे जो ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, जैसे तो एक ट्राइंगल ये पूरा बन गया, एक ट्राइंगल ये वाला बन गया, ये ओवरलैप नहीं कर रहे आपस में, एक ट्राइंगल ये वाला बन गया ओवरलैप नहीं कर रहे, एक ट्राइंगल ये वाला बन गया, तो 6 साइडेड फिगर में 4 ट्राइंगल बने हैं ये ओवरलैप नहीं कर रहे।
तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे ना और इसी में डायगोनल्स को भी आप डाल दो, अगेन डायगोनल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे। देखो अगर आप स्क्वायर में देखो तो वैसे तो स्क्वायर में दो डायगोनल बनते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए ऐसे डायगोनल मालूम करो जो ओवरलैप ना करें तो वो तो एक ही डायगोनल है, क्योंकि अगर दूसरा डायगोनल बनाओगे तो वो तो ओवरलैप कर जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ज्योमेट्रिक शेप जब इन्वॉल्व होती है तो वो चाह रहे होते हैं इसके अंदर जो आप डायगोनल्स या ट्रायंगल्स मालूम कर रहे हैं वो ओवरलैप ना करें। तो उनका तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर फाइव साइडेड फिगर है तो टू माइनस करो उतने ट्राइंगल बनेंगे, टेन साइडेड फिगर है तो टू माइनस करो इसका मतलब आठ ट्राइंगल बनेंगे। और डायगोनल कैसे मालूम करोगे, थ्री माइनस कर देना, कि अगर फाइव साइडेड फिगर है तो दो डायगोनल बनेंगे, टेन साइडेड फिगर है तो सेवन डायगोनल बनेंगे। ये गूगल पे आपको मिलेगा कुछ वेबसाइट पे, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी दे दिया। आपकी बुक में जो बुक में आंसर लिखे हुए ना, और कंसीडरिंग के जो पुरानी बुक में भी ये वाला कॉन्सेप्ट होता था वहां पे ये वाली चीज यूज नहीं होती थी, वहां पे तो खैर पॉलीगॉन नहीं था, वहां पे तो सिंपल पॉइंट्स हुआ करते थे, लेकिन बुक में यहाँ पे पॉलीगॉन बेशक उन्होंने इंसर्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है कि जैसे पुरानी बुक में था ना कि अगर सिक्स पॉइंट्स हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर फोर साइडेड फिगर है तो जो बुक में आंसर लिखा हुआ है, जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, NC3 अगर आपने ट्राइंगल्स मालूम करने, तो अगर फोर साइडेड फिगर है तो 4C3 क्या होता है, 4, इसका मतलब 4 ट्राइंगल बनेंगे और ये ओवरलैप भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। 4 ट्राइंगल कैसे बनाओगे, अभी बना के दिखा देता हूं। एक ट्राइंगल तो ये वाला हो जाएगा, ये पहला वाला ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ये दूसरा ट्राइंगल है। तीसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ये तीसरा वाला ट्राइंगल है। और चौथा वाला बनेगा यहां पे, मैं असल में करके ना कंफ्यूज हो गया हूं, चौथा वाला मैं असल में इस तरह बनेगा, इस तरह हो सकता है, असल में मैंने बार बार ऊपर लगा के ना इसको, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में बता देता हूं वो ज्यादा आसानी होगी, कि एक ट्रायंगल आपका होगा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल एक बन रहा होगा, एक ट्रायंगल होगा ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, दो गए, एक होगा बी सी डी, एक ट्रायंगल ये बनेगा, और एक और क्या होगा ये नहीं होगा, इसको आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बीसीडी बोलो, सी डी बी बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, मसला नहीं करता इतना। अभी मैं कह रहा हूं चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एकदम से जहन से निकल गई है, ABC ABD, इसी तरह BCD, और एंड पे होगा आई गेस CDA, हाँ CDA कहीं नहीं अभी यूज हुआ, तो ये होगा CDA, ये वाला ट्रायंगल होगा। तो कहने का मतलब ये चार ट्रायंगल यहां पे बन रहे होंगे, इस CDA को आप डिफरेंट अंदाज में बोल सकते हो, आप इसको ADC भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब ये बनेगा, जहां से भी स्टार्ट करना चाह रहे हो यहां पे मैटर नहीं कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं, यहां पर ट्रायंगल मैटर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास चार वर्टिसेस हैं तो ABC ABD BCD ADC, अब देखो यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वरना ABC को मजीद पांच तरीकों से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन मैटर ये करता है कि है क्या, तो ABC है, दैट्स इट। अब दोबारा कभी ABC नहीं आएगा, ABD आ गया, अच्छा दोबारा कभी ABD नहीं आएगा, BCD, अच्छा ADC, सब आपस में डिफरेंट है, उनमें तीनों चीजें जो है वो सेम नहीं है पूरी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उन्हें यूज करना है, ये इन ट्राइंगल्स को देखो, ये तो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलाउड है, कोई मसला नहीं है। तो जो आपने अभी फॉर्मुला देखा था ना थ्योरी में, मैंने बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मालूम करने हैं तो ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे, और अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम करने हैं तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, वो आपने अभी थ्योरी में भी देखा था, NC2 - N। बेसिकली अगर आपके पास फोर साइडेड फिगर है तो उसमें टोटल दो किस्म की लाइंस होती हैं, एक होती हैं साइड्स और एक होते हैं डायगोनल्स। तो आप क्या करोगे, आप टोटल लाइंस मालूम कर लो कि चार पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं, चार पॉइंट से 4C2 लाइंस बन सकती हैं, इन लाइंस में से आप साइड्स निकाल दो तो पीछे क्या बचेंगे, डायगोनल। तो चार साइड होती हैं, मतलब जितने पॉइंट्स हैं उतनी साइड्स होती हैं ना। तो ये फॉर्मूला खैर मैंने थ्योरी पे भी आप लोगों को भी क्लियर किया होगा जो मैंने एडिट करके लगाई थी, और वैसे भी देख लो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायगोनल्स का, और डेफिनेटली डायगोनल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बुक में ये वाले कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो दैट्स इट, अब सवाल आपके लिए काफी इजी हो जाएगा मेरे ख्याल में, जितना मैंने आपको डिटेल में बताया ये ना आपको कहीं मिलेगा, ये स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा, कहीं गूगल में मिल जाएगा, सब चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, तो सारे मसले हल करके एक साथ आप लोगों को बता दी, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 है, तो 7 के पार्ट नंबर ए पे आ जाओ, पार्ट नंबर 1 पे आ जाओ। पार्ट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बनाने, पार्ट नंबर उन्होंने बोला हुआ 6 साइड्स, ये मेंशन कर देना ऊपर के नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन से सबसे ऊपर पहले मेंशन कर देना नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, NC2
माइनस एन और फिर मेंशन कर देना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या है एन सी थ्री, ये मेंशन कर देना। उसके बाद पार्ट नंबर वन है सिक्स साइड, पार्ट नंबर ए में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं, आप फॉर्मूले पुट कर दो, ये हो जाएगा 6c2 - 6c2 क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 × 5, 4 फैक्टोरियल को नीचे से कैंसिल कर देना, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 15 - 6 क्या हो जाएगा सिंपल 9 हो जाएगा। तो 9 डायगोनल्स होंगे 6 साइडेड फिगर के अंदर। और अगर आपको ट्राइंगल बोला जाए तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे एन सी थ्री, फॉर्मूले में एन की जगह पे 6 पुट कर देना, 6c3 क्या होता है 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो एक्सपेंड करना 6 × 5 × 4 और जो ऊपर का 3 फैक्टोरियल है वो 1 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 4 = 20। तो पार्ट ए में 9 डायगोनल्स हैं और 20 ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। पार्ट नंबर टू में बता देता हूं, डायगोनल्स का फॉर्मूला होगा 8c2 - 8 और ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 8c3, बाकी कैलकुलेट कर लेना। पार्ट नंबर थ्री में डायगोनल्स का फॉर्मूला होगा 10c2 - 10 और ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 10c3। तो ये बाकी आपको देख लेना, डिटेल में मैंने बता दिया। अब आखिरी 3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है देयर आर 11 मेन एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ क्लब, हाउ मेनी कमेटी। ये बहुत इजी सवाल है सारे यार, ये इस टाइप के सवाल आपको बुक के एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, तो वहां पे जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी बहुत वो देख लेना, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन कर देना भाई कितने मेन हैं, टोटल 11 मेन हैं, कितनी वुमेन हैं, टोटल 9 वुमेन हैं। क्या बोला हुआ, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म, आपको 8 बंदों की कमेटी बनानी है, तो आप लिख देना कमेटी मस्ट इंक्लूड 8 मेंबर्स। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 5 मेन, तो भाई टोटल 8 की अगर आपने कमेटी बनानी है उसमें से 5 आपने मर्द सेलेक्ट करने हैं तो 3 क्या होंगी औरतें होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 5 मर्दों को सिलेक्ट करने के, मतलब 11 में से 5 आपने सिलेक्ट करने हैं तो जगह 11c5 और बाकी 3 औरतें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो 9 में से 3 औरतें सिलेक्ट करने के तरीके 9c3, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 5 वुमेन, इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो आप 8 बंदों की कमेटी बना रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब मैक्सिमम 5 हो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 5 हो, 4 हो तब भी चलेगा, 3 हो तब भी चलेगा, 2 हो, 1 हो, ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा आपने औरतें नहीं रखनी, 5 भी रख सकते हो, 4, 3, 2 और 1 और नहीं भी रख सकते आप, तो एटमोस्ट के अंदर एटमोस्ट को आप इस तरह लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एन होगा लेस देन और इक्वल टू 5, वेयर एन कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा यहां पे, तो आप इसको लिख सकते हो, ये सिचुएशन एग्जैक्ट अच्छी होगी। अगर आपको बोला जाए ना एटमोस्ट 5 तो एन 5 भी हो सकता है या 5 से कम होगा अप टू 0 तक, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। इस तरह एक और वर्ड है जो पार्ट नंबर 3 में नजर आएगा, एटलीस्ट 5 वुमेन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5, इसको आप इस तरह लिखते हो कि भाई कम से कम या तो 5 के बराबर होगा या 5 से ग्रेटर होगा, कम से कम का मतलब यार कम से कम या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, ये मतलब होता है इसका। तो उसको कैसे लिखोगे, एन इज लेस देन और ग्रेटर देन 5, मतलब या तो 5 हो जाए या 5 से ग्रेटर भी हो, लेकिन कब तक इसको मैं इस तरह लिखता हूं, लेकिन एक लिमिट भी है ना, टोटल है ही आपके पास स्टॉक में 9 औरतें हैं, अब आप इतना आगे तो नहीं जा सकते ना, और दूसरी आपने बनानी, ये तो मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, बाकी रिस्ट्रिक्शन लगती है, अब 8 बंदों की कमेटी बनानी है तो 9 औरतें तो नहीं आप डाल सकते ना, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैक्सिमम क्या हो सकता है, भाई कम से कम तो 5 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, जितनी औरतें हैं वो सब भी हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कितने की आपने कमेटी बनानी है। अब कमेटी अगर आपको 8 बंदों की बनानी है तो आप मैक्सिमम 8 औरतें सेलेक्ट कर सकते हो, 9 तो नहीं कर सकते ना, 8 की कमेटी आपने बनानी है, तो एटलीस्ट वाली इस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, कम से कम 5 है तो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, 8 से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि कमेटी आपको 8 की बनानी है। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप जरा वर्किंग देख लो। तो एटमोस्ट 5 वुमेन में क्या होगा कि मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, तो
अगर पांच औरतें होंगी तो नौ में से पांच को सेलेक्ट करने के 9C5, तो बाकी तीन क्या होंगे, मर्द होंगे, तो 11C3। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ये ऐड क्यों कर रहा हूं ये बाद में थोड़ा बताता हूं। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है भाई, ज्यादा से ज्यादा पांच हो ना, चार भी तो हो सकती है, तो चार औरतें होंगी 9C4, और बाकी चार कौन होंगे, मर्द होंगे, टोटल आठ पूरे करने ना आपने। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या होगी यार, तीन औरतें भी हो सकती हैं, तो 9C3 और बाकी पांच क्या होंगे, मर्द होंगे। अच्छा यार दो भी तो हो सकती है ना औरतें, बिल्कुल हो सकती हैं, तो 9C2 बाकी जो छह है वो मर्द हो जाएंगे, एक भी हो सकती है, बाकी सात जो है वो मर्द होंगे। अब बिलफर्ज कहीं अगर मर्द खत्म हो जाते, बिलफर्ज आपको सवाल में बोला जाता कि मर्द जो है वो टोटल सात है, तो यहां पे आपके आगे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती, आप इसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि इससे आगे क्या करोगे भाई, एक औरत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप लिखोगे 9C0 और 11C। अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास 11 मर्द हैं, सॉरी अगर आपके पास सात मर्द है, तो ऊपर 7 आएगा ना हर सवाल में, सात में से चार, सात में से पांच, सात में से छह, सात में से सात, इसके आगे आप जा नहीं सकते, आप यहां पे नहीं लिख पाओगे सात में से आठ, पॉसिबल नहीं है, मर्द ही सात है, आठ कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इसका मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आप यहीं पे रुक जाओगे, दैट्स इट, इसके आगे नहीं जाओगे। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन तो आपको जीरो तक लेके जाती है, लेकिन आपने देखना है कि बाकी कोई आपको रोक तो नहीं रहा, इस सवाल में आपको बाकी कोई नहीं रोक रहा, तो एक औरत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो जीरो औरतें, आठ के आठ मर्द, ये वाली पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। तो आपने हर चीज को देखना होता है कि सवाल में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कि आप अपनी तरफ से कुछ भी करते जा रहे हो, ये वाली चीज मुझे नहीं, मुझे याद आ रहा है कि टीचर के ग्रुप में किसी ने बोला था कि बुक में ये वाली पॉसिबिलिटी आंसर में लिखी हुई नहीं है, तो अगर आंसर इसके डिफरेंट है तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने क्यों मिस्टेक की है। ये सवाल बुक की एग्जांपल में शोर नहीं है ना असल में, माना शायद बुक में, मैं आप लोगों को बता देता, एक प्रोफेसर चार स्टूडेंट, ये एटमोस्ट एटलीस्ट वाली कंडीशन मेंशन नहीं है, माना याद रखो एटमोस्ट वाली कंडीशन में आप लाजमी जीरो वाली चीज को भी करते हो, कि आपको बोला था कि मैक्सिमम फाइव हो, मिनिमम 4B, 3B, 2B, 1B और 0B हो सकती है, ये वाली कंडीशन लाजमी इसमें शामिल होती है, क्योंकि आप उर्दू में समझो ना कि ज्यादा से ज्यादा पांच हो। अब इस जुमले में कहीं आपको नहीं बोला गया कि औरतें लाजमी होनी चाहिए, आपको से बोला कि ज्यादा से ज्यादा पांच होनी चाहिए, चार भी कर लो, तीन, दो, एक और नहीं भी कर लो, रोका तो नहीं है ना आपको, आठ के आठ मत रख लो, किसने रोका है आपको, सवाल में कहीं लिखा हो तो नहीं है ना कि एक औरत एटलीस्ट होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा। तो इसको आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो आप इनके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, इसको मैनुअली सॉल्व करोगे टाइम लग सकता है, तो आप क्या करना है, इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व करना, आंसर निकालना, इसको सॉल्व करना, आंसर इसको निकालना, सॉल्व सबके आंसर निकालना, उनको लिखते जाना, एड करना, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आप आंसर लिख देना। अब सवाल है कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, तो यार वही काउंटिंग प्रिंसिपल, असल फादर तो काउंटिंग प्रिंसिपल है ना, काउंटिंग प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि यार अगर दो चीजें एक साथ नहीं हो रही, मतलब या तो ये करनी है या वो करनी है, तो आप उनको ऐड करते हो, जाहिर सी बात है ये क्या दोनों कंडीशन एक साथ हो सकती हैं, नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि पांच औरतें और चार औरतें हो एक साथ, तो नहीं पॉसिबल ना, या तो ये होगा या ये होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने इनको आपस में ऐड किया। इसी तरह या तो ये होगा या ये होगा, एक साथ तो नहीं हो सकती ना, तो दैट्स व्हाई सबको मैंने आपस में ऐड किया, क्योंकि ये बैक वक्त नहीं हो सकती, या ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, ये पूरा सीन होगा, जबकि अगर आपस में देखो तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक साथ करनी है, आपकी कमेटी में आठ लोग होंगे तो तीन औरतें पांच मर्द होंगे, एक साथ होंगी ये दोनों चीजें, दैट्स व्हाई इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। और आखिरी कंडीशन है एटलीस्ट फाइव वुमेन, एटलीस्ट फाइव वुमेन में क्या होगा, लिख देना एटलीस्ट फाइव वुमेन, पूरी हेडिंग बना देना, तो इसके आंसर क्या होंगे, एटलीस्ट फाइव का मतलब कम से कम पांच होनी चाहिए, तो अगर पांच होंगी तो बाकी तीन मर्द, ज्यादा से ज्यादा छह भी हो सकती है तो बाकी दो मर्द, उसके बाद सात भी हो सकती हैं, बाकी एक मर्द, उसके बाद आठ भी हो सकती हैं भाई, कोई भी मर्द नहीं, इसके आगे नहीं आप जा सकते, वैसे आप इसके आगे जा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट फाइव के अंदर यह भी आ सकता है कि नौ की नौ औरतें भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट फाइव वुमेन में कहीं ये नहीं बोला हुआ कि लड़के को सिलेक्ट करना है, बस आपको बोला है कि कम से कम भाई पांच होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी भाई, जितने करने करो, मर्दों को ना भी करो कोई मसला नहीं है, कोई अलग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। लेकिन यहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन है कि भाई टोटल अगर आप नौ औरतों को सिलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कमेटी आपको आठ की बनानी है, नौ औरतों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, वरना अगर नौ लोगों को सिलेक्ट करना होता ना तो फिर आप इस तरह लिखते, टोटल फिर नौ होना चाहिए था ना, तो 9C5 11C4, छह औरतों को कर रहे हो तो तीन मर्दों को, सात औरतें तो दो मर्द,
आठ औरतें तो एक मर्द, नौ औरतें तो जीरो मर्द। अगर यहाँ पे नौ की कमेटी आपको बनानी होती, आपको आठ की कमेटी बनानी है, तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इस पूरी चीज को अलग अलग सॉल्व करना, ऐड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाओ आप आखिरी दो सवालों के ऊपर। क्या लिखा है भाई? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेकन फाइव एट अ टाइम। यहाँ पे अरेंजमेंट भी हो सकता था, लेकिन अरेंजमेंट की बात नहीं की, मतलब परमोटेशन की बात नहीं की, कॉम्बिनेशन की बात की गई है। तो अगर आप देखो और कॉम्बिनेशन में लेटर अगर रिपीट कर जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। वो मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है, वो पुरानी बुक में मैंने समझाया था, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उसमें इश्यू हो जाएगा वैसे। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन जो है लिखा हुआ ना, अगर ये जो वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तभी आपके लिए बड़ा आसान है। इसके अंदर टोटल चार आठ लेटर्स हैं, आठ में से आपको बोला गया कि पांच आपने सेलेक्ट करने, पांच की कॉम्बिनेशन बनानी। कॉम्बिनेशन का वर्ड बोल दिया आपको, इसका मतलब अब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। पांच में से आठ टोटल लेटर्स हैं, उसमें से पांच का आपको वर्ड बनाना ना, तो आठ में से कोई भी आप पांच सेलेक्ट करोगे वर्ड आपके पास बनता जाएगा। और आपको ये नहीं बोला हुआ कि पांच के वर्ड्स बनाने हैं आपको, ये तो नहीं बोला हुआ ना। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन फाइव एट अ टाइम। क्योंकि देखो इससे अगले सवाल में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जब आप वर्ड्स बनाते हो तो वर्ड्स को अरेंज भी तो कर सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अगर आपको बोला जाए ना कि वर्ड्स बनाओ, तो वर्ड्स में सेलेक्ट करने के बाद आप अरेंज भी करोगे, ये नेक्स्ट सवाल में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कितने वर्ड्स बनेंगे, इसका मतलब अरेंजमेंट कुछ भी नहीं आप मैंने मालूम करनी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, बस कॉम्बिनेशंस का बोला हुआ है। और जब बोला जाए ना कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में फिर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर आपको बोला जाए कि बैट की कॉम्बिनेशन बनाओ, तो बैट की एक ही कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको ए बी टी करो, टी ए बी करो, ये एक ही मानी जाएगी कॉम्बिनेशन, ज्यादा नहीं मानी जाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि एक वर्ड है बैट, इससे आप दो लेटर की कॉम्बिनेशन बनाओ, तो दो लेटर की तीन कॉम्बिनेशन बनेंगी, बी ए ए टी और बी टी। तो तीन, ये वही सवाल है कि तीन लेटर्स हैं, इसमें से आपको दो की बनानी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 3C2 जो कि बराबर होता है 3K। ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पास बन गए। हालांकि अगर आप यहां परमोटेशन मालूम करते तो परमोटेशन आपके पास यहां पे टोटल 6 आती, मतलब आप ए बी टी ए टी बी इस तरह भी लिखते। लेकिन जब वर्ड कॉम्बिनेशन बोल दिया ना, इसका मतलब आपने जस्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है, अब अरेंजमेंट की आपने टेंशन नहीं लेनी। जबकि जो अगला सवाल है रेवेन्यू बोला हुआ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। वर्ड्स बनाने के लिए पहले भी आपने सवाल, ये बेसिकली सवाल 6.2 का ही है कि वर्ड्स बनाने के लिए फिर आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम ऑर्डर वाला काम भी वहां पे कर रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉम्बिनेशन बोला हुआ है। तो आठ है, पांच सेलेक्ट करने, 8C5 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जहां तक बात क्वेश्चन नंबर 11 की है, तो एग्जैक्ट ये सवाल बच्चों पुरानी बुक में मौजूद था। इसके अंदर अगेन 6-7 मिनट लेंगे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा एडिट करके लगा दूं। बैठ के सुकून से करना मेरे ज्यादा इजी है, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा सही तरीके से। तो वो जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह एडिट करके मैं साथ लगा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। उसमें आप लोग सीखोगे वर्ड्स बनाने, तो वो अरेंजमेंट का भी कॉन्सेप्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने 6.4 करनी है और फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 4 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, सबसे पहले आपके पास अवेलेबल कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने भाई, टोटल वॉवेल्स 4 है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो आपके पास है 7, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना है। अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रिस्ट्रिक्ट क्या किया गया है कि आपने 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाना है, मतलब ऐसा वर्ड बनाना है जिसके अंदर 2 वॉवेल हो और 3 कॉन्सोनेंट हो, ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दी है। तो आप लिख दो यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स और ब्रैकेट में बता दो कि क्या बारे में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, मतलब आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, कॉन्सोनेंट्स ऐसे वर्ड्स बनाने हैं आपको जिसके अंदर 2 वॉवेल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट हो, तो कितने आप बना सकते हो। तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है,
आपके पास चार वॉवल्स हैं, आपने कितने वॉवल्स का वर्ड बनाना है? दो का, तो एट ए टाइम आपने दो वॉवल सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहां पे 4C2 कर दोगे। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने होने चाहिए? तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए। टोटल कितने हैं? सात कॉन्सोनेंट आपको दे दिए, तो सात में से आपको कितने चाहिए? तीन चाहिए, तो हो जाएगा 7C3, तो आपके पास वर्ड आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये तो, अब मैं एग्जाम्पल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वॉवल्स कितने होते हैं? चार वॉवल है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं ए ई आई ओ, फॉर एग्जाम्पल चार वॉवल जो है वो हमारे स्टॉक में ये हैं, चार ही वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट फॉर एग्जाम्पल जी एच के एल एम एन ओ, ये सारे कॉन्सोनेंट फॉर एग्जाम्पल सात आपको गिवन है। आपको वर्ड्स बनाने, तो आपको कोई दो वॉवल सेलेक्ट करने हैं, तीन कॉन्सोनेंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपने सेलेक्ट किया ए ई, यहां से आपने सेलेक्ट किया जी एच के, तो ये आपके पास एक वर्ड आ गया, बेशक मतलब बने या ना बने, तो ये आपके पास पांच लेटर्स का एक वर्ड आ गया जिसमें दो वॉवल्स है, तीन कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, वर्ड्स के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। आपने पहले सिलेक्शन कर ली, लेकिन जो सिलेक्शन आ रही है उसमें ऑर्डर भी तो मैटर कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्शन करके एक वर्ड बना दिया, अब ये वर्ड के अंदर पांच लेटर्स हैं, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं, आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो ई ए जी एच के, आप इस तरह भी लिख सकते हो ई जी ए एच के। कहने का मतलब है कि ये जो आपने वर्ड बनाया है इसमें तो आपने ये बनाया ना कि टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं, अरेंजमेंट को तो कंसिडर किया ही नहीं आपने। आपको पता है हर वर्ड आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं लेटर्स आपस में, तो ये जो पांच लेटर का वर्ड है, पांच लेटर का वर्ड कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 5 factorial। तो कहने का मतलब ये कि आपने अगर एक सिलेक्शन परफॉर्म की, दो यहां से निकाले तीन यहां से निकाले, तो वो एक वर्ड नहीं बनेगा, वो 120 वर्ड बनेंगे उसके अंदर, क्योंकि जो एक आपने सिलेक्शन की है उसको आप अरेंज भी तो कर सकते हो ना। 5 factorial मतलब 120 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, तो जो एक सिलेक्शन परफॉर्म किया उसमें 120 वर्ड आपके पास बने। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्शन चेंज कर दी, अब आपने सिलेक्ट किया ई आई और यहां से आपने सिलेक्ट किया एम एन ओ, अभी कोई एक वर्ड नहीं आया आपके पास, 120 मजीद वर्ड आ गए आपके पास, क्योंकि आप इनको अरेंज भी तो कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब है हर पॉसिबल सिलेक्शन में आपके पास 120 नए वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एक सिलेक्शन की लेकिन हकीकत में 120 वर्ड है, दो सिलेक्शन हकीकत में 240 वर्ड्स हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, हर सिलेक्शन में 120 आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 factorial से। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हो कि आपने ऑब्जर्व कर लिया कि एक सिलेक्शन है लेकिन टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 120, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 120 से मल्टीप्लाई। इसी तरह दो सिलेक्शन है लेकिन हकीकत में वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 240, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप। तो इतनी आपके पास सिलेक्शन है, हर सिलेक्शन के अंदर 5 factorial मजीद वर्ड बनेंगे, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 factorial से। तो जरा आंसर निकालते हैं हम, 4C2 का आंसर तो बच्चों 6 ही हो जाएगा, 7C3 का आंसर आई गेस 28 होता है शायद, 35, और 5 factorial होता है 120, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आंसर आएगा 25200, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, मैं शेयर करता हूं, मे भी आप लोग किसी जहन में हो, कि आप लोगों सर अगर हम ये अरेंजमेंट को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट परमोटेशन यूज कर लेते हैं यहां पे, आप फालतू में सिलेक्शन कर रहे हैं फिर अरेंज कर रहे हैं, ये 5 factorial तंग कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं डायरेक्ट ये काम कर लेते हैं, 4P2 मल्टीप्लाई 7P3, परमोटेशन खुद ही अरेंज कर लेगी। लेकिन जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप ऑब्जर्व करोगे आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, उसकी वजह मैंने सोची क्यों मैच नहीं कर रहा, वो वजह मैं आप लोगों को बताने लगा कि आप परमोटेशन यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जहन में आओगे कि अरेंजमेंट है यहां पे तो चलो परमोटेशन यूज कर लेते हैं, नहीं वो वर्क नहीं करेगा, वो वर्क इसलिए नहीं करेगा। 4P2 का मतलब क्या है कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ए ई और यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो जी एच के, तो 4P2 का मतलब क्या होता है, 4P2 का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी अरेंजमेंट बनेंगी, आपके पास अरेंजमेंट बनेंगी 12 बन रही होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला एक ए ई कंसिडर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला इस तरह भी कंसिडर करेगा ई ए, इसको भी मैं सेम ही रखता हूं, मतलब फॉर्मूला ऑर्डर भी मैटर करेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक दफा सिलेक्ट कर रहा है ए ई, दूसरी दफा कर रहा है ई ए, परमोटेशन में ही होता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर रहे हैं आई ओ, उसके साथ जी एच के को फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, ये आई ओ कर रहे हैं फिर ओ आई भी करेगा जी एच के, ये फॉर्मूला सब काम कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो चार है ना उसमें से 12 तरीकों से आप 12 अरेंजमेंट होती है, अगर आप दो पिक कर रहे हो तो इस तरह के 12 होंगे, आप करते जाना
ई आई कर लेना, ए ओ कर लेना, अच्छा ई ओ कर लेना, इस तरह 12 हो रहे होंगे। फिर इसको भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना, ठीक है, बैक बात आप इसको भी अरेंज कर लोगे। तो ये तीन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सात में से तीन को जब आप पिक करोगे तो एक अरेंजमेंट में करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल इन तीन को पिक किया, अब आप इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। फिर आपने कोई और तरीके पिक किए, आप उतने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात तो आपकी ठीक लग रही है यार कि डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल रही है, लेकिन एक मसला है यहां पे। मसला ये है कि ये फॉर्मूला इन दो को आपस में अरेंज करके बता रहा होगा, इनको आपस में कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज करके बता रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको मिक्स नहीं बता रहा होगा। लाइक फॉर्मूला आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं बताएगा, ई जी एच के ए, ये पॉसिबिलिटी नहीं गिन रहा होगा। ये इनकी अरेंजमेंट बता रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट बता रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में। तो उसमें जो भी वर्ड्स आएंगे ना, वो ऐसे वर्ड्स होंगे कि जिसमें ये आपस मतलब वॉवेल्स एक साथ होंगे और ये एक साथ होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं बताएगा कि यार मिक्स फॉर्म में कैसे, ये आपको नहीं बता रहा हूं। और अगर आप बोलो कि इसमें मैं 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं, फिर वो गलत बात हो जाएगी। क्यों गलत बात होगी, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा काउंट कर लोगे, क्योंकि जैसे इसमें था ना कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात समझ आ रही है। यहां पर तो ऑलरेडी कुछ चीजों को अरेंज किया हुआ इसने, ये ए ई ई ए को अलग से अरेंज किया हुआ ना, इसी तरह जी एच के को अलग से अरेंज किया होगा। तो इन इसके अपनी अरेंजमेंट, इसके अपनी अरेंजमेंट उसने काउंट की हुई है, इनकी आपस में नहीं की हुई। जबकि 5 फैक्टोरियल आपको ओवरऑल अरेंजमेंट देता है, जिसमें इनकी भी अरेंजमेंट कंसीडर होती है, इसकी भी अरेंजमेंट कंसीडर होती है और मिक्स फॉर्म में भी होती है। तो अगर आप अब 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो चीजों को दो दफा काउंट करोगे। ये 5 फैक्टोरियल इसको चीजों को भी काउंट कर रहा होगा, मतलब ए ई के अरेंजमेंट को, जो कि आपने ऑलरेडी इसमें कवर की हुई होगी। तो फिर आप वो सही तरह कर नहीं पाओगे, वो चीजें मिक्स हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा।